एक साल में यहाँ पे कभी भी कोई झाड़ू लगाने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। जल बोर्ड ने जो सड़कें काटी हैं उनकी उन्होंने उन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं की है। मुझे ऐसा देख के लग नहीं रहा कि जो नालियाँ मैंने देखी वो सालों से ऐसी चौक हैं कि उसमें पानी रिसने का भी कोई स्कोप नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए और संवेदनहीनता का परिचय दिया, ये आपने खुद देखा भी होगा। देख के बड़ा अफसोस हुआ कि नालियाँ इतनी बुरे तरीके से भरी हुई हैं। गुरुवार को लोकसभा सांसद रमेश बिदोड़ी एसटीएमसी की वाइस चेयरमैन तुलसी जोशी के साथ मिलकर आयानगर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। आयानगर की खस्ता हालत देख सांसद ने अधिकारियों की मौके पर ही क्लास लगाई और स्थानीय निवासियों की परेशानियों को भी सुना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना ही केजरीवाल खुद काम करते हैं और ना ही हमें करने देते हैं। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस के पार्षद और आपके विधायक की वजह से इस क्षेत्र की हालत बहुत खराब हो गई है। खामियां आपने भी देखी हैं। दुर्भाग्य से यहाँ कांग्रेस का काउंसलर है, कभी इलाके में इंस्पेक्शन नहीं किया। अपने नगर में देखे रहे, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जी, इन्होंने कहा था ये खुद, क्योंकि मुझे लगता है लोकल गाँव के देहात के बेल्ट से कि गाँव के एरिया में हमें देखना चाहिए। हम अरब अरब घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ के जोन की चेयरपर्सन वो भी आई थी जी, डॉक्टर जी, तो मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन उसके साथ हमने BSCS फ्लड डिपार्टमेंट सब अधिकारी को बुलाया है। आपने खुद देखा है कि पिछले एक साल में यहाँ पे कभी भी कोई झाड़ू लगाने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। जल बोर्ड ने जो सड़कें काटी हैं उनकी उन्होंने उन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं की है। तो कहीं ना कहीं से जो आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए और संवेदनहीनता का परिचय दिया, ये आपने खुद देखा भी होगा। और उसके कारण से जो ड्रेन है उसके अंदर सिल्ट चला जाता है, टूटी नालियाँ पड़ी इसलिए चला जाता है जी। पौंड की आपने हालत देखी है, क्या हालत है, चाहे आयनगर का पौंड हो चाहे वो, अब उसको भी गवर्नमेंट MCD से कर रहे हैं। उस पौंड को भी, इस पौंड के लिए भी, गिटोरनी के लिए पहले भी हमने 60-65-66 लाख रुपए दिए थे, केजरीवाल ने रिफ्यूज़ कर दिया। मेरे पास पैसा है, हम MP फंड नहीं लगाएंगे। अब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड से वो पैसा सेंक्शन कराया, उसको भी 1.5 साल हो गए सेंक्शन कराए हुए। जब मैं पिछली बार MP था तब का वो पैसा सेंक्शन हुआ अपना रूरल डेवलपमेंट का जी। अब आज कह रहे हैं 1 महीने के अंदर उसको तैयार कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीमारियां ना फैले स्वच्छता का परिचय दें, और एक तरफ ये संवेदनहीनता के रूप में केजरीवाल के लोग, और या यहाँ पर जो पर्टिकुलरली राहुल गांधी दुनिया भर की बकवास करता फिरता रहता है, उसको ये देखना चाहिए कि उसके कॉर्पोरेटर कैसा बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं SDM की वाइस चेयरमैन तुलसी जोशी ने भी पार्षद पर ठीक से अपना काम न करने का आरोप लगाया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज यहाँ आकर और देखकर जिस हिसाब से व्यवस्था है, मुझे कोई सड़क ऐसी मिल नहीं रही कि जो मुझे लगे कि ठीक है। और जैसा कि MP साहब ने बताया कि जब उनके समय पर राष्ट्रपति शासन लगा था, अभी जब दिल्ली सरकार गिरी थी, तो उस समय में जो काम हुए उसके बाद ना तो MLA ने कुछ काम करवाया, ना ही काउंसलर ने। और हम देखते हैं कि वेदपाल जी जो काउंसलर हैं यहाँ से, वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं हाउस में भी और जोन की मीटिंगों में भी। तो मैं सोचती थी कि उनका वार्ड तो डेफिनेटली टनाटन होना चाहिए, बट देख के बड़ा अफसोस हुआ कि नालियाँ इतनी बुरे तरीके से भरी हुई हैं। डिपार्टमेंट संख्या देता है, सैनिटेशन के कर्मचारी भी देता है, मेंटेनेंस की जो सब जगह है वो यहाँ पर भी है। डिपेंड करता है कि काउंसलर कितना एक्टिव है, कितना डिपार्टमेंट के लोगों से काम करवाता है। वो तभी पॉसिबल होता है कि जब रेगुलरली आप अपने वार्ड में विजिट करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा देख के लग नहीं रहा कि जो नालियाँ मैंने देखी वो सालों से ऐसी चौक्ड हैं कि उसमें पानी रिसने का भी कोई स्कोप नहीं है। मल्टीपल एजेंसीज हैं यहाँ, जल बोर्ड भी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है, DUSUP भी है, उसकी वजह से भी काफ़ी व्यवस्थाएं ख़राब हैं कि उन्होंने खोद दिया है उसके बाद रीइंस्टेंट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सभी जगह कर्मचारी होते हैं, मेरे यहाँ पर भी हैं, इनके यहाँ पर भी होंगे, लेकिन हम किस तरीके की वर्किंग कराते हैं वो हमारे हाथ में होता है। नहीं, रजिस्टर अभी भी हमने मंगाया है। 40 कर्मचारी सिर्फ आयानगर के लिए नहीं है, आयानगर वार्ड के एक पर्टिकुलर बीट की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉकेट की बात हो रही है, वहाँ पर 40 है। ओवरऑल आयानगर वार्ड के अंदर कर्मचारी ज़्यादा हैं। अभी जैसे हमने रजिस्टर देखा, अटेंडेंस भी लगी हुई है, लेकिन अगर लोग भी मान लीजिए आए हुए हैं, लेकिन उनसे काम कौन करवाएगा, उस पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो वो तो काउंसलर अगर रेगुलरली विजिट करता है तो कर्मचारी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि वो आएंगे देखेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, तो वो सफाई भी करता है।
अगर आपने एक महीने का टाइम दिया, अगर एक महीने में काम नहीं हुआ तो आप एक्शन लेंगे? अभी हम ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, अभी हम उधर भी होकर आए आया नगर, और उस वो जो ASI था वहाँ का, हमने उसको सस्पेंशन के लिए उसके ऑर्डर निकलवाने के लिए बोल दिया है DC को, और यहाँ पर भी हमने उसको डेडलाइन दी है, अगर विद इन टाइम फ्रेम उसने सफाई नहीं की, नहीं काम पूरा किया, तो डेफिनेटली ही विल बी सस्पेंडेड। काम को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्वच्छता स्वच्छ भारत मोदी जी का मिशन है और उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पार्षद हमारा हो या किसी भी पार्टी का हो। साफ साफ सफाई चाहिए, मतलब साफ सफाई चाहिए।